कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। 27 साल से नरेंद्र मोदी इनको चाय पिला पिला कर हरा रहे हैं। 27 साल से नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लोगों को चाय पिला पिला कर हरा रहे हैं, और चाय में मेरे ख्याल से चाय कम होती, दूध और मलई ज्यादा होता है। तो कांग्रेस जिम्मेदार है 27 साल से अगर भाजपा गुजरात में जीत रही है तो। मगर कांग्रेस के लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं ओवैसी आने की वजह से भाजपा जीतेगी, बोलते हैं ना ये वोट काटेगा। अरे मैं काटने नहीं आया हूं, मैं मिलाने आया हूं, हक लेने आया हूं गरीबों का। अब 182 में से अगर हम 13 लड़ रहे हैं तो बचे 169 बचे ना, आप पूरे जीत जाओ, कौन रोक रहा आपको, आप नहीं जीत पाएंगे। और बोलते हो ऐसी भड़काव भाषण देता है। अभी कोई मीडिया के लोग हमारे इंटरव्यू लेकर गए, बोले लोग आपको भड़काऊ भाईजान बोलते हैं। मैंने कहा भड़काऊ के तक समझ गया मैं, मगर अगर भाईजान बोलेंगे तो रिश्ता नाजुक हो जाएगा, याद रखना। मत बोलो भड़काऊ, कह दो भाईजान बोलेंगे तो फिर हम घर में भाईजान किसको बोलते हैं आपको नहीं मालूम। तो बोले क्या बोलते, मिला छोड़ दो इसी पर बात ले लो, चले जाओ वरना तुम तकलीफ हो जाएगी। ये भड़काओ भाईजान, क्या भड़काओ भाईजान है, सच्चाई को बयान करना, भारत के प्रधानमंत्री की गलतियों को दोहराना, उनके 15 लाख के वादे को झूठा बोलना भड़काओ भाषण है। 15 लाख का वादा मोदी जी ने किया था इसी गुजरात में बैठ कर किया था कि पूरे ब्लैक मनी का पैसा आ जाएगा, भाइयों बहनों आपके अकाउंट में डाल दूंगा 15 15 15। बेचारा गरीब खुश हो गया, अरे 15 लाख पूरा गरीब, अरे 15 लाख 15 पैसे नहीं आए उसके जनधन के अकाउंट में, वही 2000 आए कभी, 1500 आए, ले लो ये कर लो। अब हम जब इसको बयान करते कांग्रेस वालों को तकलीफ हो जाती है, हर कांग्रेसी बोलता है अरे ओवैसी तू इस तरह की तकरीर क्यों करता। अच्छा इतनी देर से हम हमारा भाषण सुन रहे हैं, हम किसी के खिलाफ किसी मजहब के खिलाफ बोले, किसी के खिलाफ नहीं बोलते। अब इनको तकलीफ क्या है कि ये कैसे बोलता है, अरे तुम भी तो बोलो, अल्लाह तुम्हार को भी जबान दिया ना, मगर तुम्हारी जबान नहीं चलेगी क्योंकि तुम्हारी जबान कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है मोदी के साथ, तुम्हारी जबान इसलिए नहीं।